यूपी के बहराइच में पिछले 3 महीनों से भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। भेड़ियों ने बहराइच के कई लोगों को अपना शिकार बनाया। वहीं अब आतंक मचाने वाले भेड़ियों में से छठे भेड़िये को देर रात ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। खूंखार नरभक्षी भेड़िया देर रात शिकार की तलाश में महसी इलाके के तमाजपुर गांव में पहुंचा था और घर में मां के पास सो रहे मासूम बच्चे पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मां के चिल्लाने की आवाज सुनकर भेड़िया भाग निकला और बकरी पर हमला कर दिया। गांव में भेड़िया आने की सूचना पाकर अलर्ट हुए ग्रामीणों ने भेड़िये को घेर लिया और पीट पीट कर मार डाला। बता दें कि जिस भेड़िये को वन विभाग की टीम लगातार 3 महीनों से तलाश कर रही थी, उस भेड़िये को ग्रामीणों ने मार गिराया है। मामले पर ग्रामीणों ने बताया कि मासूम बच्चे पर भेड़िये ने हमला करने की कोशिश की थी। यहाँ हमारी भाभी लेटी सो रही थी, उसके पास एक छोटा बच्चा था, उसके ऊपर पहले हमला किया, वो नहीं पकड़ पाया तो बकरी का बच्चा लेकर भाग गया। उसके पीछे हम और हमारे गांव वाले और दूसरे गांव वाले सब लोग एक जगह पे आए, हल्ला हुआ, उसके बाद में उसको घेर के मारे। तो सियार था, कुत्ता था, क्या था? वो भेड़िया था, न सियार था न कुत्ता था, वो भेड़िया था। ये लड़का लिए लेटी रहनी के ऊपर पहले लपका मच्छरदानी लगाए रहन, तो इसे मुँह मारे मच्छरदानी पर, हम चिल्लाने जागित रहन, धत 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 किया, चिल्लाए लागिन कि मैंने दौड़ जाए घड़ाएगा बहू, हम लड़का हमार छोड़े सब लड़किया छुटा जाए के बच्चा बकरी के उठा ली लेके भाग यार कहीं, तब फिर चिल्लाने हम चिल्लाए लागिन, तब वो गांव के आदमी हमारे गांव के आदमी सब का खेदिन है, खेत के गए हैं तब का मारिन है वहाँ पर। तो सियार रहेगी कुत्ता न सियार हो न कुत्ता हो भेड़िया हो। वहीं सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने छठे भेड़िये के शव को कब्जे में ले लिया है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि भेड़िये के मारे जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचकर जांच की गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भेड़िया को लोगों ने मार दिया है, तो ये तमाजपुर गांव पड़ता है, तो हम महसी ब्लॉक में ही एक तमाजपुर गांव पड़ता है, तो वहाँ राम गांव थाना पड़ता है, तो वहाँ पर हम पहुँचे तो देखे कि एक मरा हुआ भेड़िया वहाँ पड़ा था, उसको हमने बरामद किया है। वो कैसे मरा, क्योंकि उसके चोट के निशान है, तो खून भी बह रही थी, तो उसकी हम जांच कर रहे हैं कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, इसकी जल्द ही हम जांच करके इसके बारे में हम पूरा डिटेल आप लोगों को बता देंगे। भेड़िये की मौत के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि भेड़ियों के झुंड ने 10 लोगों की जान ले ली थी और 54 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लोगों ने बताया कि पिछले 2 महीनों से ग्रामीण रात भर भेड़िये के डर से पहरा देते थे, यहाँ तक कि भीषण गर्मी में भी लोगों को खुले में सोने से रोका गया था।